बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर रविवार सुबह 4:55 में फायरिंग की गई। पहले तो सिर्फ भाईजान को धमकियां ही मिलती थी, लेकिन अब बात फायरिंग तक आ गई है। इस फायरिंग के बाद से पूरे देश और बॉलीवुड में सनसनी फैल गई है। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सलमान खान के बांद्रा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने दो बाइक सवारों ने 6 फायरिंग राउंड की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर सलमान खान के घर के बाहर किसने गोलियां चलवाई और किसने सलमान खान के घर पर हमला करवाने की ये पूरी प्लानिंग की है? नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। बताया ये जा रहा है कि इस हमले के पीछे गैंगस्टर रोहित गोदारा की पूरी प्लानिंग है। उसी ने सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी करवाई है, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों से राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA गोदारा के बायोमेट्रिक की तलाश कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि रोहित गोदारा पिछले साल राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या और मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या में भी कहीं ना कहीं शामिल था। चलिए अब आपको ये बताते हैं आखिरकार कौन है रोहित गोदारा और ऐसा उसने किसके कहने पर किया। एक रिपोर्ट के अनुसार रोहित गोदारा जेल में बंद मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी है। और इतना ही नहीं, रोहित गोदारा यूके से गैंग के सारे ऑपरेशन को संभालता है। एक सोर्स से यह भी पता चला है कि कंसर्न अथॉरिटी की मदद से NIA उसे ब्रिटेन से डिपोर्ट करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने उसे आसानी से रहने का आश्वासन दिया है। आपको ये भी बता दें कि रोहित गोदारा बीकानेर का रहने वाला है और हत्या और जबरन वसूली समेत 35 से ज़्यादा आपराधिक मामलों में उसका नाम है। गोदारा फर्जी पासपोर्ट के जरिए दिल्ली से दुबई भाग गया था। एक सोर्स से ये भी पता चला है कि जब NIA ने जेल में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की तो बिश्नोई ने ये बताया कि उसके पास एक बिजनेस मॉडल है जिसमें उत्तर प्रदेश से धनंजय सिंह, हरियाणा से काला जेठरी और राजस्थान से रोहित गोदारा और दिल्ली से रोहित मोई और हसीम बाबा के जेल में बंद गैंगस्टरों के साथ गठजोड़ शामिल हैं। इस गठबंधन बिजनेस मॉडल में वो टोल सुरक्षा और शेयर परसेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। इसके अलावा अगर वो अपने प्रतिद्वंदी को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो एक दूसरे को हथियारों के साथ साथ शूटर भी उपलब्ध करवाते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सभी बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।